बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये टोयोटा फ्रीएस 2005 मॉडल गाड़ी में मसला ये है दोस्तों कि गाड़ी की एक तो इसकी लॉक अनलॉक काम नहीं कर रही, ये आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक इसकी काम नहीं कर रही। और दूसरा, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो सिर्फ चेक इंजन लाइट ब्लिंक करती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये जिसे मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये चेक इंजन लाइट जो है ये ब्लिंकिंग करती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बाकी इसकी ये रूप लाइट जो है ये काम कर रही है। और ये आप जब रिमोट से लॉक अनलॉक करते हैं तो मीटर में डबल इंडिकेटर शो होती है, लेकिन गाड़ी लॉक अनलॉक नहीं होती। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जैसे इसके नीचे वाली फ्यूज़ चेक की तो वहाँ पर बिल्कुल 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही। ये आप देख सकते हैं, ये फ्यूज़ जैसे मैं चेक करता हूँ तो ये सारे फ्यूज़ जो अंदर की होती है उसमें 12 वोल्ट जो पॉजिटिव सप्लाई है वो नहीं आ रही। तो इसका मतलब बाहर वाले फ्यूज़ बॉक्स में इसका मेन फ्यूज़ उड़ा हुआ है। तो बाहर जाके आपको दिखा दे, अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का मसला आता है तो किस तरह आपने ट्रेस करना है, कौन सी फ्यूज़ है वो आपने चेक करनी होती है कि कौन सी फ्यूज़ ख़राब है। तो ये इसका बाहर वाला फ्यूज़ बॉक्स है। इसमें इसके साथ साथ ये दो फ्यूज़ भी जो है वो ब्लाउन थे, लेकिन इसकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेन जो फ्यूज़ का ब्लॉक लगा था इस फ्यूज़ बॉक्स में, मैं वो आपको दिखाता हूँ। इस फ्यूज़ बॉक्स में ये जो वाइट कलर का बड़ा फ्यूज़, ये जिसमें बहुत सारे फ्यूज़ लगे होते हैं, ये एक ब्लॉक लगा होता है फ्यूज़ का, इसको चेक करेंगे तो इसकी ये वाली साइड जो है ये बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये सारे फ्यूज़, ये इसकी एन वाली साइड है तो इसमें सप्लाई आ रही है, लेकिन ये जो इसकी दूसरी वाली साइड है इसमें नहीं आ रही। तो ये अपने चेक करनी होती है। ये आगे से ये वाली जगह में ये कटी हुई ये फ्यूज़ ब्लाउन है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे। जैसे इसको डायरेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये लॉक अनलॉक भी काम करती है और मीटर में भी आप शो कर देख सकते हैं। ये जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ ये सारी लाइट जो है ये अभी आ गई। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का मसला पेश आता है दोस्तों कि आपकी एक आपकी जो लॉक अनलॉक काम ना करे और मीटर में स्टार्ट करने से सिर्फ चेक इंजन लाइट जो है वो ब्लिंक करी हो, तो सबसे पहले आपने ये वाली फ्यूज़ चेक करनी होती है कि ये फ्यूज़ ब्लाउन तो नहीं हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।